इसके अलावा कुछ और अहम खबरें भी हैं, और अहम खबर है ओबेरॉय रियल्टी के संदर्भ में, जहां पर टाटा स्टील की जो जमीन है उसकी नीलामी पूरी हो चुकी है और ओबेरॉय रियल्टी ने एक सक्सेसफुल बिडर के बतौर ये जो नीलामी है वो जीती है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट मौजूद है, मिस्टर विकास ओबेरॉय मौजूद है, CMD ओबेरॉय रियल्टी के। मिस्टर ओबेरॉय नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक सबसे पहले तो आपको इनफैक्ट मुबारकबाद ये पूरी ही जो नीलामी है उसको जीतने के लिए। आप इस पूरे ही प्रोजेक्ट को किस तरह से देख रहे हैं, जो पूरा अपडेट आया है इसको? नमस्कार सुमित, थैंक यू आपके शो पे बुलाने के लिए। ये बोरीवली में प्रोजेक्ट है, हमने गोरेगांव कांदीवली और इस एरिया में काफी काम किया है। 25 एकड़ है, अच्छी कंपनी बेच रही है, क्लियर टाइटल है और मार्केट अच्छी है ये एरिया की, इसके कारण लिया है और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट प्लान किया है यहाँ पे। जी मिस्टर ओबेरॉय, एक बड़ी क्वांटम में ये खरीदारी हुई है, करीब 1100 करोड़ रुपए के आसपास। कंपनीज को सोर्स कैसे कर रही है इस रकम को, क्या इंटरनल रिसोर्सेज से या फिर कुछ और रकम भी जुटाने की योजना इस पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए? यू नो, हमें हर टाइम एनालिस्ट कहते थे आप इतने कैश के ऊपर बैठे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली लैंड हमारे लिए एक रॉ मटेरियल है, तो जो हमारे पास पैसा पड़ा है वही हम लगा के इसे खरीदेंगे और कुछ हमारे रेंट रिसीवेबल्स हैं उसे डिस्काउंट करेंगे, तो डेट नहीं लेंगे एक तरीके का, बट ये इंटरनल अक्रूवल से ही हो जाएगा। जी, गोइंग फॉरवर्ड इस जमीन का इस्तेमाल कंपनी किस तरह से करने वाली, क्या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कुछ लॉन्च करेगी या फिर कुछ और अन्य प्रोजेक्ट जो कंपनी इस पे प्लान कर रही हो? नहीं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट करेंगे। हमारा एक प्रोजेक्ट मुलुंड में भी आ रहा है, वो सेंट्रल सबर्ब्स में है, ये वेस्टर्न सबर्ब्स में है। हमारे पास गोरेगांव में भी प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर हम रेजिडेंशियल बनाएंगे, 2-bedroom 3-bedroom। जी मिस्टर ओबेरॉय, इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स पे या कुछ और ऐसी जो जमीनें हैं जिसके लिए कंपनी भी बिड्स कर रही है? हम हर चीज के लिए बिड करने की कोशिश करते हैं, अगर आगे जो बेचने वाली पार्टी अगर हमें समझ में आती है या और प्राइस समझ में आती है तो हम जरूर लेना चाहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये हमारे लिए रॉ मटेरियल है, एंड एज अ कंपनी हमारी कैपेसिटी कंस्ट्रक्ट करने की अभी बढ़ गई है, अच्छा काम हो रहा है, तो इसके कारण हम लैंड लेने के लिए तो हमेशा तैयार हैं। जी कुछ और, अभी जो कंपनी का प्रेजेंट लैंड बैंक है वो कितना है, और दूसरा क्या कुछ और प्रोजेक्ट जो कंपनी इस क्वार्टर के अंदर लॉन्च करने जा रही है? देखिए, इस क्वार्टर के अंदर हम वर्ली का अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। दूसरे उसके बाद वाले क्वार्टर में हम मुलुंड लॉन्च करेंगे, और दिसंबर और मार्च के क्वार्टर में ईयर 2015 में हम ये वाला प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। और कंपनी प्रेजेंट लैंड बैंक, लैंड बैंक अभी जैसे मैंने बताया हमारे पास मुलुंड की प्रॉपर्टी पड़ी है, वर्ली में प्रॉपर्टी 2 है, ये गोरेगांव में है, JVLR में है, तो काफी लैंड है, काफी काम है करने के लिए। जी, और आपसे आखिरी सवाल होगा कि जो प्रोजेक्ट्स आप इस क्वार्टर में लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं उसमें मार्जिन या उसमें रियलाइजेशन किस तरह से रहेंगे? देखिए, हर प्रोजेक्ट अलग होता है, जैसे अभी इस बार हम वर्ली में जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो हाई एंड प्रोजेक्ट है, और उसमें मार्जिन अलग तरीके के होते हैं, और जैसे मुलुंड है उसमें अलग होगा, तो ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है, वी कैन नॉट इन जनरल से। जी चलिए मिस्टर ओबेरॉय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना कीमती समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और साथ साथ आपको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद इस पूरे ही प्रोजेक्ट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। ओबेरॉय रियल्टी करीब करीब 11.5% ऊपर कामकाज करते हुए 222 का स्तर यहां पर देखने को मिला है, करीब करीब 11.5% के आसपास बढ़त देखने को मिल रही है। हमारे साथ इनफैक्ट एक सवाल, एक जो दर्शक है वो स्काइप